एक क्वेरी आई है, सवाल आया है कि पाली के अल्फाबेट्स के बारे में बताएं, यानी पाली को शुरू से बताएं, प्रारंभिक पाली या जो पाली कैसे बनी, पहले कैसे स्टार्ट हुई। बेसिकली पाली का नाम बाद में पड़ा, जब ये भाषा खोजी गई उस समय पाली के बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे पाली का मतलब पालना हो गया, या पंक्ति हो गया, या जैसे टोकरी को बोला करते थे त्रिपिटक। तो बहुत सारी बातें करके ये पाली शब्द बना, मगर पाली से इसका नाम ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि जिस क्षेत्र की भाषा होती है और जिस समय की भाषा होती है उस क्षेत्र के नाम से या कभी कभी उस राजा के नाम से जानी जाती है। जैसे ये प्राकृतिक भाषा है, प्राकृतिक का मतलब है कि इसको किसी ने बनाया नहीं है। जब बनना शुरू हुआ, मनुष्य के अंदर जो आवाज़ वाले तंत्र हैं, जब आवाज़ निकालने का ऑर्गन यानी जो उसका तंत्र बनने लगा, तो आवाज़ आनी शुरू हुई, तो सबसे पहले जो आवाज़ आई वो सारी की सारी जो आवाज़ थी वो सारे सारे स्वर थे, यानी कि वोवल थे। सारी दुनिया में वोवल ही बने हैं। आठ हमारे आते हैं, ए आ ई उ ए और ओ। इसमें एनक वाला, जिसमें दो मात्राएं ए पे आती हैं, वो शब्द नहीं आते पाली में कहीं भी, या औरत में जो दो मात्रा आती हैं वो नहीं आती, यानी ऊपर दो मात्राओं वाला कोई शब्द पाली में नहीं आता। अगर वो कोई लिखा हुआ है तो वो समझिए कि पाली नहीं है। और ये स्वर हैं, इनको पाली के अंदर सर बोलते हैं या सरा बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं इसलिए सरा बोलते हैं। ये सारी दुनिया में सेम है, जानवर भी यही आवाज़ निकालते हैं। जानवर का भी अगर आपने देखा होगा, कोई इन्हीं के बीच की आवाज़ आती है, कोई ऊँ करता है, कोई आ करता है, कोई ई करता है, कोई ऐ करता है, कोई जोर से रंभाता है। आवाज़ प्राकृतिक यही निकलती है। जब भी किसी कोई नया मनुष्य बनेगा या जब भी कोई नया जानवर बनेगा और वह उसके वोकल कॉर्ड डेवलप होंगे, सबसे पहले यही आवाज़ निकल के आएगी। ये नेचुरल है और यही प्राकृतिक है। इसके बाद में जो व्यंजन बने, व्यंजन बिल्कुल अलग बने, यानी व्यंजन पाली में भी इसको व्यंजन ही बोलते हैं और संस्कृत भाषा ने भी इसको व्यंजन ही लिया है, क्योंकि पुरानी भाषा में इसको व्यंजन बोलते हैं। तो व्यंजन जितने बने, वो व्यंजन बहुत सारे हैं जो बनाए गए। व्यंजन बनाने के लिए मनुष्य ने अपनी गले का, अपनी जीभ का, जीभ के ऊपर जो तलवा होता है, जहाँ जीभ चिपकती है वो, या दांत के और तलवे के ऊपर जो जगह होती है, पैलेट के ऊपर जो जगह होती है वो, या दांत या दांतों के बीच की हवा, या नीचे गला या गले के नीचे जिसको बोलते हैं हलक, उर्दू में उसको हलक बोलते हैं, इन सब का, या जो मुंह का, मुंह को पतला करना, छोटा करना, या मुंह का आवाज़ कम निकालना, इसके हजारों तरीके हैं। यानी बाद में व्यंजन जो बने हैं सारी दुनिया में वो हजारों हैं, मगर जो स्वर हैं वो सीमित हैं, ए आ ई उ ऊ ए, यानी ये हैं। और इसमें भी जो मुख्य हैं वो ए है, ऊ है, ई है और ए है, यानी ये इसके मुख्य स्वर हैं। बल्कि गुरुमुखी में तो तीन ही दिए हुए हैं। तो ये जब भी कोई बच्चा आवाज़ निकालेगा, इसी तरह की आवाज़ निकालेगा। बच्चा जब शुरू में छोटा होता है तो वो शब्द नहीं बोल पाता, वो ए आ ई ऊ ऐसे ही करके बोलता है। इसलिए पाली प्राकृतिक भाषा है, क्योंकि पाली किसी ने बनाई नहीं है, पाली बनी है। इसका जो नाम था वो कौशल प्रदेश की थी, ये प्रसेनजीत के राज की थी, तो इसलिए इसको कौशली भी बोलते हैं। फिर ये मगध में फैली तो इसको मागधी भी बोलते हैं। फिर ये अशोक के समय में चारों तरफ फैली तो इसको अशोक लिपि भी बोलते हैं। अशोक ने धम्म को फैलाया तो इसको धम्म लिपि भी बोलते हैं। और इसने धम्म को सुरक्षित रखा, धम्म को पाला, इसलिए इसको पाली बोलते हैं। और जब ये खोजी, खासतौर से ये अंग्रेजों ने खोजी, उस समय इसको नाम पाली दिया गया, तो ये पाली हो गई, क्योंकि ये धम्म को पालने वाली थी। ये इसका नाम है। आज आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, मगर ये ईरान से लेके और बर्मा तक मिलती है, और अब तो लगभग सारी दुनिया में है। इसकी स्क्रिप्ट अलग अलग है, यानी कि जो इसका लिखने का तरीका है वो अलग अलग है। भारत के अंदर जो लिखी जाती है आज की डेट में, जो पुरानी है वो तो अशोक लिपि में या धम्म लिपि में मिलती है, मगर जो आज की डेट में मिलती है लगभग 700-800 ईसा पूर्व से, यानी कि अब से लगभग 1100-1200 साल पहले, जो गुजरात के अंदर सबसे पहला लेख मिला वो, उसका नाम था देवनागरी। ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, यानी देवनागरी जो लिपि है, लिपि उसको बोलते हैं जिसमें अक्षर लिखे जाते हैं। अलग अलग दुनिया में हजारों लिपियां हैं, लिखने के तरीके हजारों हैं। तो ये जो लिपि है या जो स्क्रिप्ट है, इसको देवनागरी क्यों बोलते हैं? देवनागरी यानी इसमें देव भी है, नाग है और री, ये तीन शब्दों से मिला हुआ है, देव नाग और री। देव का मतलब होता है वो लोग जो बहुत ज्यादा पंचशील का अभ्यास करते थे, आठ शील का अभ्यास करते थे, या जो भिक्कू हुआ करते थे या जो भिक्कुणी हुआ करती थी, उनको देव बोला गया है।
जो अच्छे लोग थे, जिनमें कोई व्यभिचार नहीं होता था, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, जो सबके प्रति करुणा रखते थे, वो देव होते थे। यानी मनुष्य अगर पंचशील का, आठ शील का या सारे शीलों का पालन करेगा तो वो स्वयं ही देव हो जाता है। और नाग का मतलब है कि ये नागवंशी व्यक्ति था जिसने इसको खोजा, या ये नाग कोई जगह रही है जहाँ ये खोजी गई, जहाँ ये बनाई गई, जहाँ ये अक्षर लिखे गए। यानी ये अक्षर जहाँ पहली बार बने वो कोई नाग बंदा या नागवंशी बंदा या नागभूमि रही है, इसलिए इसको देवनागरी बोलते हैं। देवनागरी प्राचीन में उसको भी बोलते हैं कि अगर त्रिभुज बनता है कहीं, त्रिकोण बनता है कहीं, ट्रायंगल कहीं बनता है, ट्रायंगल का जो चित्र होता है और जो चक्र होता है, यानी गोला जो चक्र होता है, इन दोनों चक्रों को देवनागरी चक्र भी या देवनागरी इनको दृश्य या पिक्चर भी बोलते हैं। ये देवनागरी प्रोजेक्शन होती है। तो इन दोनों शब्दों को देवनागरी बोला जाता है, इसलिए इस भाषा को देवनागरी है। त्रिकोण का जो मतलब है यहाँ पे, या त्रिभुज का मतलब है, या जो तीन कोने हैं वो त्रिरत्नों को हैं, ये धम्म को, संघ को और बुद्ध को इंगित करते हैं। और जो ये धम्म चक्र है, ये धम्म के पूरे चक्र को और धम्म के पूरे साहित्य को इंगित करता है। तो ये बहुत कमाल की बात है कि देवनागरी जो शब्द है ये बौद्ध परंपरा का शब्द है, और ये भाषा भी बौद्ध परंपरा से बनी है। देवनागरी स्क्रिप्ट पूरी की पूरी, सारी की सारी किसी नागवंशी ने बनाई है, जो उस समय देव था, जो उस समय भिक्कू या भिक्कुनी रहे होंगे, या बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाई होगी। ये इसके नाम का सिंहल में, यानी श्रीलंका में इसको सिंहली में बोलते हैं, बर्मा में बर्मी में, और कंबोज यानी थाईलैंड में इसको थाई भाषा में बोलते हैं, और जो यूरोप है वहाँ इसको द पाली टेक्स्ट सोसाइटी करके एक सोसाइटी बनाई हुई है, जहाँ रोमन लिपि में ABC में करके इसको पाली को लिखा जाता है। पाली सारी दुनिया में चलती है। पाली का जो धम्मपद है, यानी जो भगवान बुद्ध का धम्मपद है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कन्वर्टेड, यानी सारी लैंग्वेजों में सबसे ज़्यादा कन्वर्टेड भाषा का धम्मपद है, और सबसे पुराना है, और सबसे ज़्यादा वो चलता है, और वो चलेगा भी, क्योंकि वो आडम्बरों से मुक्त है, और उसमें जीवन और जीवन जीने की कला के बारे में बताया गया है। लाइफ कैसे चलते हैं या आर्ट ऑफ लिविंग क्या होती है, ये सारा सारा उसके अंदर दिया होता है। इसलिए धम्मपद दुनिया में सबसे ज़्यादा चलता है। ये जो देवनागरी है, देवनागरी के अंदर 41 टोटल कुल मिला के अक्षर होते हैं, वर्ड्स होते हैं। इनमें से 33 तो होते हैं व्यंजन, यानी कि जो मनुष्य ने बनाए हैं, जिनको जीभ से, गले से, तालवे से ऐसे करके बनाया जाता है, बोला जाता है। और 8 इसमें हैं सर, स्वरा या वॉविल हैं, यानी कॉन्सोनेंट इसमें 33 हैं और इसमें वॉविल जो हैं वो 8 हैं। ये सबसे सिंपल भाषा है, सबसे सरल भाषा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऊटपटांग चीज़ें नहीं जोड़ी गई, ये नेचुरल है, और नेचर के हिसाब से सबसे परफेक्ट और सबसे सुंदर भाषाओं में ही आती है, सबसे सरल भाषाओं में आती है। कैसे आती है? इसमें जो पहले 5 अक्षर हैं, यानी क, ख, ग, घ, ण, ये जो 5 शब्द हैं, इन 5 शब्दों को कंठ बोलते हैं। कंठ का मतलब है कि ये कंठ से, गले से बोला जाता है, गटरल बोला जाता है इसको, यानी गटरल ये यहाँ गले से बोले जाते हैं, नीचे नहीं, यहाँ गले से ये आवाज़ आती है, इसको गटरल बोलते हैं। तो ये क, ख, ग, घ और ण, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क, ख, ग, घ, ण, ये जो 5 शब्द हैं ये एक ही साथ बोले जाते हैं, एक ही फैमिली के हैं, और ये गटरल हैं, यानी कि गले से यानी कंठ से बोले जाते हैं, इनको कंठ बोलते हैं। दूसरे जो 5 शब्द आते हैं उनको बोलते हैं तालुज, पाली में बोलते हैं उनको तालुज, जो तलवे से बोले जाते हैं, तालुज तलव्य होता है। तालुज क्या होता है? तालव्य, जो जीभ जहाँ ऊपर टच करती है उसको तालुज बोलते हैं। तालुज से ये शब्द बनता है। आप ध्यान दीजिए, चे, छे, जे, झे, ण, यानी चे, छे, जे, झे, ये जो 5 शब्द हैं इनमें जीभ ऊपर चिपकी हुई रहती है। चे, छे, जे, झे, ये 5 शब्द जो तालुज है, जो तालव्य है, यानी जीभ ऊपर चिपकी रहती है, आप बोल के देखिए तो आपको आभास होगा कि जीभ एक ही जगह फिक्स रह रहती है, इसको इसलिए इनको तालुज शब्द बोलते हैं, या इनको बोलते हैं प्लेटल, प्लेटल इस इंग्लिश में बोलते हैं, तालुज बोलते हैं वो इसको पाली में बोलते हैं। उसके बाद जो 5 शब्द आते हैं उनको बोलते हैं मुद्धज, पाली के अंदर बोलते हैं मुद्धज, और संस्कृत भाषा में उनको बोलते हैं मूर्धन्य, मुद्धज या मूर्धन्य, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं सेरेब्रल, सेरेब्रल का बोले हैं कि मस्तिष्क से लगभग ये शब्द निकलते हैं। आप इसको अगर देखेंगे तो ये दांत और तालुज के बीच में जीभ हमारी चिपकती है,
यानी तालू जो ऊपर का हिस्सा हो गया, और दांत हमारे ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच में जीभ चुपकती है, तब ये शब्द बनते हैं। ये शब्द हैं टे ठे डे ढे ढे, टे ठे डे ढे ढे, टे ठे डे ढे ढे। आप ध्यान से देखिए कि जीभ एक जगह फिक्स होती है, बहुत ध्यान से देखिए, ना तो वो दांतों पर चिपकेगी और ना वो तालुज पे, तालुज और दांतों के बीच में जीभ रहेगी, इसलिए इनको बोलते हैं मुद्धज, यानी कि जो बीच में आते हैं, मुद्धज पाली का शब्द है जिसको सेरेब्रल बोलते हैं। इसके बाद आता है दंते। दंते का मतलब है जो दांत से बोले जाते हैं, डेंटल वर्ड है। डेंटल का मतलब वो दांत से बोले जाएंगे। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पांच शब्द हैं ते थे दे धे ने, ते थे दे धे ने, ते थे दे धे ने। ये दांत से बोले जा रहे हैं। अगर जिनके दांत नहीं होते हैं उनको ये शब्द बोलने में दिक्कत आती है, उनकी हवा निकल जाती है, इसलिए ते थे दे धे ने इनको दंते बोलते हैं या इनको डेंटल वर्ड्स बोलते हैं, ये शब्द हुए। इसके बाद जो आता है वो आता है ओठज। ओठज या ओस्टेज, यानी ओस्टेज जो शब्द है ओठज है, या इनको बोला जाएगा लेबियल। लेबियल जो है वो होठ से शब्द बोले जाते हैं, यानी जो शब्द बने हैं वो होठ का इस्तेमाल पूरा होता है। कैसे होता है? पे फे बे भे मे, पे फे बे भे मे, यानी कि अगर जिनके पास होठ नहीं होंगे वो इन शब्दों को बोल नहीं पाएंगे, अगर होठ खुले रहेंगे तो ये शब्द नहीं बनेंगे, इनको इसलिए ओस्टज बोलते हैं या ओठज बोलते हैं, लेबियल। इसके बाद आता है पकीणक। पकीणक का जो मतलब है वो स्कैटर है या प्रकीर्णन है। इसमें हर तरह का इस्तेमाल होता है, ये अलग अलग तरह के हैं। ये शब्द आप ध्यान से देखेंगे तो ये रे ले वे से है ले और निग्गहित। निग्गहित अंग को बोलते हैं। अगर किसी शब्द में ऊपर एक बिंदी लग जाए तो उसको निग्गहित, बिंदी को निग्गहित बोलते हैं, और ये अंग की आवाज़ देता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जैसे बुद्ध है और बुद्ध के ऊपर अगर लास्ट में एक बिंदी लग जाए तो उसको बोलेंगे बुद्धंग। जैसे सुधीर है, सुधीर के लास्ट में अगर एक बिंदी लग जाए सबसे लास्ट में रह के ऊपर तो उसको बोलेंगे सुधीर रंग। अगर जैसे आपका नाम है सपोज पीटर है और पीटर के आगे एक बिंदी लग जाए तो बोलेंगे पीट रंग। तो ये जो अंग की आवाज़ है पाली, ये खास तौर से निग्गहित बोलते हैं इसको, और निग्गहित में अंग की आवाज़ आती है, और ये पाली का एक तरह से सिग्नेचर है, क्योंकि पाली पहचानने का ये सबसे आसान तरीका है कि अगर लास्ट में बिंदी है तो वो अंग करके जोड़ा जाएगा। 33 इसके अंदर व्यंजन है, यानी कि कंसोनेंट्स हैं, और 8 इसके अंदर सर हैं, सुरा हैं या वोवेल्स हैं। इसके अलावा जितने भी इसमें शब्द आते हैं, जो आप देखते हैं, चाहे ऋषि वाला रे है या ल्रे है, या आधे रे वाले जितने भी शब्द हैं, या ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मैंने शे और शे षटकोण नहीं बताया आपको, वो पाली में नहीं है। पाली में सिर्फ एक ही शय होता है, बड़ा वाला शय, तो शे और शे भी नहीं है। इसके अलावा जो जो संयुक्त तो अक्षर हैं, संयुक्त तो अक्षर बहुत नाम का कोई अक्षर होगा, संयुक्त तो अक्षर इसके अंदर नहीं है, और इसमें अंक की बिंदी भी इस्तेमाल नहीं होती। अंक की बिंदी की जगह इसमें ये ने या मैं या डे ये इस्तेमाल होते हैं, जो लास्ट में आते हैं, अक्षरों के ग्रुप के लास्ट में जो आते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, मगर अंक की बिंदी को आजकल ले लेते हैं आसानी करने के लिए, इसलिए अंक की बिंदी आती है। एक खास बात पाली के अंदर और है कि मैंने आपको ए जो बताया है इसमें सिंगल ए है, ओ वाला नहीं है, यानी औरत वाला ओ नहीं है। इसमें जो टोटल हमारे शब्द आते हैं जो स्वर में, वो ए आ ई ऊ ए और ओ है, 8 हमारे आते हैं ए आ ई ऊ ए और ओ। इसमें एनक वाला जिसमें दो मात्राएं ए पे आती हैं वो शब्द नहीं आते पाली में कहीं भी, या औरत में जो दो मात्रा आती है वो नहीं आती, यानी ऊपर दो मात्राओं वाला कोई शब्द पाली में नहीं आता। अगर वो कोई लिखा हुआ है तो वो समझिए कि पाली नहीं है। ऐसे ही आधी रे वाला कोई शब्द नहीं आता। कोई शब्द अगर आया है तो किसी ने मिक्स किया होगा या कहीं से उठा के ऐसा कैसा है बाद में लिखा होगा, पाली का ओरिजिनल शब्द नहीं है। आधा रे वाला कोई भी शब्द पाली का ओरिजिनल शब्द नहीं है, भारत का ही नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट सा है। इसलिए जब आप पाली सीखेंगे और पाली जानेंगे तो पाली के अल्फ़ाबेट बहुत आसान है। कोई किताब पाली की मंगा लीजिए, पाली किताब आजकल सब जगह मिलती हैं, कहीं अगर ना भी मिले आपको तो नेट पे मिलेगी,
और अगर नेट पे भी उपलब्ध नहीं है तो मैं यहाँ एक फ़ोन नंबर आपको दे रहा हूँ, ये प्रोफेसर प्रफुल्ल गढ़पाल जी का है, उनके पास किताबें हैं, बहुत सारे प्रकाशक हैं, सम्यक प्रकाशक हैं, उनके पास बहुत सारी किताबें हैं, जगह जगह लोगों ने अपनी किताबें छपाई हुई हैं, आप सारी किताबें उनसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, नेट से देख सकते हैं। पाली पढ़ना हिंदी से आधे से भी ज़्यादा सरल है, यानी हिंदी अगर 100% परेशान करेगी आपको तो हिंदी पाली सिर्फ आपको 40% 30% में आ जाएगी, यानी कि बहुत कम मेहनत करके आपको पाली आ जाएगी। पाली के अगले चैप्टर में मैं अगली बात आपको बताऊंगा। धन्यवाद।